श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में नवनिर्मित अलौकिक राम मंदिर को लेकर देश भर में हो रही सियासी बयानबाजी जारी है। मंदिर को लेकर बिहार में भी एक अलग लेवल की पॉलिटिक्स हो रही है। डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीते दिन राम मंदिर से जुड़ा एक बयान दिया था, जिससे उठी चिंगारी की आँच अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि उनकी पार्टी की महिला नेता और प्रवक्ता प्रियंका भारती कुशवाहा ने कुछ ऐसा कह दिया है कि कुछ लोग उनका बयान सुनकर लोटपोट हो रहे हैं तो कुछ ने माथा भी पीट लिया। दरअसल मानो इंडिया गठबंधन के नेताओं द्वारा राम मंदिर पर बयान देने की एक होड़ सी लगी है। गठबंधन के विभिन्न दलों के नेता और मंत्री राम मंदिर पर जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। इसी कड़ी में आरजेडी की महिला नेता ने एक डिबेट शो में अयोध्या और राम जी के बारे में जिस अतुलनीय ज्ञान की गंगा बहाई है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स उन्हें लगातार ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल प्रियंका ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अभी ये बात कर रही थी कि सर्वसमावेशी समाज की संरचना हो, ये राम जी का सपना था। राम जी तो तेजस्वी जी के सपने में भी आए, तब न तेजस्वी जी इतना काम कर रहे हैं। राम तो अयोध्या छोड़कर कब का निकल गए, वो तो मंदिर में है ही नहीं। इसके बाद जब एंकर ने उनसे पूछा कि राम जी अयोध्या में नहीं है तो फिर कहाँ है राम जी, तब प्रियंका कुशवाहा ने और भी अजब गजब जवाब दिया। प्रियंका ने फिर कहा, आपको वही तो बता रही हूँ, राम जी मंदिर से निकलकर तेजस्वी जी के मन में गए।